रोहतास जिला के नासरीगंज प्रखंड के पवनी पंचायत के रामाडी, चितोखर, पिपरडी, खुटका, पवनी, भरकोल सहित अन्य गांवों में पूर्व मुखिया चंदन कुमार सिंह के सौजन्य से छठ व्रतियों के बीच फल, सूप, ईख समेत पूजा की सामग्री का वितरण किया गया। इस फल वितरण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए सीओ अमित कुमार के द्वारा भी छठ व्रतियों के बीच फल व सूप का वितरण किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रखंड के सभी छठ घाटों का निरीक्षण किया जा रहा है और लोगों को गहरे पानी में नहीं जाने की हिदायत दी गई है। छठ व्रतियों को कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर सभी घाट पर कर्मी व अधिकारी तैनात किए गए हैं। पूर्व मुखिया चंदन सिंह ने बताया कि छठ लोक आस्था का महापर्व है। छठ स्वच्छता व शुद्धता का पर्व है। इस पर्व में व्रतियों को स्वच्छता का खासा ख्याल रखना चाहिए। उन्होंने सभी लोगों से भाईचारे के साथ छठ पूजा मनाने की अपील की है। रोहतास से राहुल मिश्रा की रिपोर्ट। छठ पूजा के शुभ अवसर पर नासरीगंज प्रखंड पौनी पंचायत के सभी जनता जनार्दन माता बहन सभी को हार्दिक शुभकामना है। आज जितने भी हमारे पंचायत के छठ व्रत कर रहे हैं माता बहन, उनके बीच फल एवं पूजा सामग्री का वितरण किया जा रहा है। पंचायत के हर गांव में ये वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। सभी से आग्रह करेंगे छठ पूजा ये शांतिपूर्वक मनाएं। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हमें सेवा करने का मौका मिला है। बहुत बहुत सभी लोगों को छठ व्रतियों को अंचल प्रशासन की ओर से सभी को हार्दिक शुभकामना है और सुरक्षित छठ मनाएं, इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग छठ घाटों का भी निरीक्षण किए हैं और सब लोगों से है कि पानी में ज़्यादा गहराई में ना जाएं और शांतिपूर्वक और बेहतर छठ मनाएं। इसी शुभकामना देते हैं कि पूरे अंचलवासी बेहतर ढंग से छठ पूजा।